सभी का प्राइम टीवी की इस प्राइम डिबेट में मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने कैबिनेट विस्तार कर दिया है। इस विस्तार से मोदी सरकार ने जातीय समीकरण को बखूबी साधने की कोशिश की है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में मोदी सरकार ने 7 मंत्रियों को जगह देकर कहीं ना कहीं यूपी को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। रूठे चेहरों को मनाने के साथ ही ओबीसी, एससी और ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले अपना पासा फेंक दिया है। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। मोदी सरकार ने पांचों राज्यों को कैबिनेट विस्तार के जरिए साधने की पूरी कोशिश की है, इसलिए कैबिनेट में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का खास ध्यान रखा गया है। ओबीसी ने बीते चुनाव में जमकर साथ दिया था, इसलिए कैबिनेट विस्तार के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अब की बार ओबीसी सरकार का संदेश देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? तो आज 43 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिसमें से 10 वो चेहरे हैं जो पहले से मंत्रिमंडल में थे लेकिन उनका प्रमोशन किया गया है। आपको बता दें कि 7 ऐसे चेहरे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, 4 चेहरे पश्चिम बंगाल से, तो वहीं 4 महाराष्ट्र से भी हैं। और अब ये एक चेहरा, ये अभी हमने आपको दिखाया एसपी सिंह बघेल का। एसपी सिंह बघेल और कौशल किशोर, ये दोनों ही बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और दोनों को ही मंत्रिमंडल में इस बार जगह दी गई है। तो कौशल किशोर की अगर बात की जाए तो कौशल किशोर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको भी साधने की कोशिश की गई और शायद यही वजह रही कि उनको अब मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वहीं अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल से हैं और एनडीए का घटक दल हैं, अब ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने जब अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं अब उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि जिस तरह से लगातार निषाद पार्टी के संजय निषाद, जो कि अपने बेटे प्रवीण निषाद को लेकर लगातार ये बात कह रहे थे कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह देनी चाहिए थी, लेकिन उनको बड़ा झटका लगा और उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि अगर अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है तो फिर प्रवीण निषाद को क्यों नहीं, जबकि उनका 40 सीटों पर अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। और वो साफ तौर पर यह भी कहते हुए नजर आए कि 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर निषाद वोट की भूमिका बहुत अहम थी और उन्हीं की वजह से उन 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन अब यह आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर प्रवीण निषाद और संजय निषाद को कैसे मनाया जाता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में और सभी को साधने की कोशिश जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की तरफ से होती हुई दिख रही है वो इस मंत्रिमंडल विस्तार में साफ तौर पर नजर आई। वहीं इन 43 मंत्रियों के शपथ लेने से पहले 11 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दिया। ये हम आपको कुछ ऐसे चेहरे दिखा रहे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार और प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, वो तमाम ऐसे नाम थे जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है। और ये जो चेहरे हैं वो हम आपको बता रहे हैं जिनको मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। अनुप्रिया पटेल, भानु वर्मा, पंकज चौधरी, ये वो नाम हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आज के अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनीता अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से आशीष कोटाड़िया जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहला सवाल मेरा अनीता जी से है। अनीता जी, 2022 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में काम का इनाम दिया गया है या क्या कुछ कोशिश की गई है इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार पहले ही से होना था जब चुनाव बनी थी, टीम बनी थी, लेकिन उसके कोरोना के कारण, किसी वजह कारण ये हो नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि पहले भी टीम कम ही थे और मंत्री बनने बनने थे, बढ़ाने थे, और इस वजह से अब जो है उसको टीम को बढ़ाया गया है। उसमें पूरे देश के हर प्रदेशों से लिए गए हैं लोग, और सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास को बस सामने आई है। किसी एक जाति की, किसी एक बिरादरी के लोगों को नहीं लिया गया। जहां तक देखा है मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें सभी को साथ लिया गया है, सब पे भरोसा किया गया है। ये साफ साफ मोदी जी की कैबिनेट में नजर आ रहा है कि मोदी जी ने बहुत ही अच्छे, मतलब जो है चुनिंदा लोगों को चुना है, जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के साथ के हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, और जो बाहर से आए हैं उनका भी समावेशन हुआ है। तो मतलब एक बहुत अच्छा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसको हम उनको बधाई देते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि पहले ही होना था लेकिन कोरोना के कारण भी साल 1.5 साल रुक गया। पंकज जी, मोदी सरकार क्या संदेश देना चाह रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार से, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में लोकसभा विधानसभा चुनाव आसन्न है, जी और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं। केंद्र में सरकार बनाने में 543 सदस्य, सदन में मतलब सदन में 80 सीटों का एक प्रचंड मतलब स्थान है। तो ये भी आप समझ लीजिए, इसको दृष्टिगत रखते हुए और उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को आकलन को देखते हुए ये मोदी सरकार ने ये अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। कोरोना के चलते साल 1.5 साल से ये कयास लगाए जाते रहे और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन इस बार के विस्तार में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति और दलित समुदाय के और अन्य लोगों को तवज्जो देने का काम किया है, उनको साधने की कोशिश की गई है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए शिवम जी, तो उत्तर प्रदेश में 40% ओबीसी लोग हैं और 22% दलित समुदाय के लोग हैं और 19% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो बीजेपी को वोट भी नहीं करते। और दूसरी चीज ये है, आप इस पे और बाकी में 19% बचता है जिसमें वेस्ट कम्युनिटी और अन्य लोग आ जाते हैं, तो उनको सबसे बड़ी तादाद 40% ओबीसी और 22% जो दलित हैं, उस वर्ग को साधने के लिए, उसको देखने के लिए ये समीकरण और ये विस्तार हुआ, उसमें लोगों को तवज्जो दी गई और तमाम बड़े नेताओं की छुट्टी भी की गई मंत्रिमंडल से, 11 लोगों की। बिल्कुल, तो ये भी एक बहुत बड़ा वो रहा और मोदी जी ने सबको एक संदेश देने का काम किया है और जो है सबका साथ सबका विकास उस नारे को चरितार्थ करते हुए उन्होंने ये लाने का प्रयास किया है, दिखाने का प्रयास किया है कि जनमानस में मेरी सरकार समाज के निचले वर्ग के लोगों के साथ है। जैसा कि अभी आपने बताया कि लखनऊ में कौशल किशोर सांसद हैं, वो हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर तल्ख टिप्पणी किया करते थे, बिल्कुल, और उनको भी साधने का पूरा प्रयास किया गया है, उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखें तो ये 2022 का चुनाव तो है ही है विधानसभा उत्तर प्रदेश का, लेकिन आगे का 2024 का भी चुनाव को देखते हुए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है कि जिसमें आगे के 2024 के चुनाव में भी एक सामंजस्य स्थापित रहे। इसीलिए देखिए, बंगाल से 4 लोगों को दिया गया, महाराष्ट्र से 4 लोगों को शामिल किया गया, बिहार के लोगों को शामिल किया गया, तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि सारे चीजों का मतलब सारे देश के सारे राज्यों से प्रतिनिधित्व देने का प्रयास मोदी जी ने किया है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में मोदी सरकार ने जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है वो वाकई में ये देखते हुए किया है कि आगे आने वाले चुनाव में उन्हें किस तरह से फायदा मिल सकता है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से कोटाड़िया जी जुड़े हुए हैं, आशीष जी। आशीष जी, आप किस तरह से देखते हैं, आपका ओपनिंग कमेंट मैं चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से अगले प्रवक्ताओं ने बात कही कि ये तो सबका साथ और सबका विकास का परिणाम है, मैं प्रत्यक्ष तौर पर कहता हूँ यदि इतना ही मोदी जी को विकास करना था तो वर्ष 2019 का जब लोकसभा चुनाव पूरा हुआ और जब नवी कैबिनेट का निर्माण हो रहा था तब क्यों इन युवा चेहरों को इसमें शामिल नहीं किया गया, यह प्रत्यक्ष तौर पर बताता है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए किया है कि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और मैं तो कहूंगा कि ये जो कैबिनेट है वो कैबिनेट पिछड़े वर्ग की कैबिनेट है, ओबीसी कैबिनेट, कि जिस तरीके से इसमें जातिगत समीकरणों को केंद्र में रखकर मंत्रियों को शामिल किया गया है, ना कि उनकी कार्य दक्षता को केंद्र में रखकर, ये प्रत्यक्ष तौर पर सूचित करता है
कि कैबिनेट का विस्तार राजनीति को केंद्र में रखकर किया गया है। अब मैं गुजरात का उदाहरण देता हूँ, गुजरात में रूपाला जी और मांडविया जी जिन्होंने कदापि किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया है, ना ही गुजरात की राजनीति में और ना ही देश की राजनीति में, उनको मोदी जी ने कैबिनेट में स्थान दिया। क्यों? क्योंकि वर्ष 2022 में गुजरात में विधानसभा का चुनाव है, एक कड़वा पटेल समुदाय से आते हैं और दूसरे लेवा पटेल समुदाय से, तो पटेलों का हित साधने के लिए इनको अपनी कैबिनेट में जगह दी, ना कि उनके कार्य को केंद्र में रखकर। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्यक्ष तौर पर इस बात का निंदा करती है कि किस तरीके से राजनीति को केंद्र में रखकर मंत्रियों को स्थान दिया गया है। और मुझे बताइए क्या आवश्यकता थी अनुप्रिया पटेल जी को स्थान दिया गया, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, या फिर गुजरात की बात हो, नए नए मंत्रियों को शामिल किया गया। यह प्रत्यक्ष तौर पर दर्शाता है कि राजनीतिक अपने स्वार्थ और अपने हित को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट का विस्तार किया है, ना कि कार्य को बढ़ाने के लिए। और हाँ, प्रधानमंत्री जी बात करते थे कि मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये कोई नहीं दिख रहा। आशीष जी मेरी बात भी सुन लीजिए। आशीष जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आशीष जी ये तो अच्छा है ना, जितने ज्यादा से ज्यादा समुदायों के लोग और ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के लोग मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, अपना संदेश बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे। अवश्य तो अच्छा होना चाहिए, किंतु अभी क्यों वर्ष 2019 में शामिल करना चाहिए था? यदि वर्ष 2019 में यदि देश को अच्छे मंत्री मिलते तो कोरोना काल में जिस तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन जी के शासन में जो देश को समस्या का सामना करना पड़ा वो नहीं करना पड़ता, 2019 में करना चाहिए था ना। अभी क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, और मैं प्रत्यक्ष तौर पर कहता हूँ कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं जीते जाएंगे। जिस तरीके से हरदीप सिंह पुरी जी को पंजाब से आते हैं, उनको कैबिनेट का विस्तार कैबिनेट में शामिल किया गया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 5 राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनेगी और मोदी सरकार देखेगी। चलिए अभी ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर आने वाले साल में किसकी कहां पर सरकार बनती है। अनीता जी हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि जो जातिगत जो समीकरण है उनको बहुत ही बेहतर ढंग से साधने की कोशिश की गई है। ये जातिगत समीकरण है, आप तो काम की बात करते थे, विकास की राजनीति करते थे, फिर यहाँ पर जातिगत समीकरण साधने लगे। एक थी, मैं पहले इनका कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दे दूं, जो इन्होंने कहा है कि 19 में कर देना चाहिए था। देखिए 19 में हमारा चुनाव हुआ था और 19 के बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें समय मंत्रिमंडल विस्तार और होना था, उसके तुरंत बाद ही कोरोना काल आ गया, इस वजह से नहीं हो पाया। इनको हर समय में विपक्षियों को तो एक आदत है कि विरोध ही करना है, अच्छा करो तो विरोध, खराब करो तो विरोध है ही है। ये तो इनका काम हो गया, इनका एक ही काम है, इनको कभी भी ये नहीं कहना है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है। और जहां तक आपने कहा है कि जाति समीकरण को लेकर, देखिए हमने हमारा शुरू से एक नारा मोदी जी ने दिया था, सबका साथ, सबके साथ में हर जाति समुदाय आता है, चाहे वो अनुसूचित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण हो, पंडित, सबका साथ लेकर उन्होंने पहले ही कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास, मतलब सबका विश्वास लेकर ये कैबिनेट को आगे बढ़ाने का काम किया है। पहले भी उन्होंने जो 5 साल कैबिनेट चलाई अपने प्रधानमंत्री भी, तो भी उन्होंने यही कहा, उसके बाद अब भी, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, हम सबको साथ लेके चलते हैं, उसमें हम जाति बिरादरी ये सब को नहीं लेते कि हाँ इस जाति के लेना, इस जाति को लेना, ये जात पात की राजनीति विपक्ष बहुत करती है। और शुरू से उन्होंने कहा बांटो राज करो, उनका तो ये नारा रहा है बांटो राज करो, लेकिन हमारा नारा रहा है सबका साथ सबका विकास। फिर 2019 में ये चीजें क्यों नहीं नजर आई? जब 2019 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस वक्त ये सबका साथ सबका विकास क्यों नजर नहीं आया? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, 19 में मंत्रिमंडल का विस्तार हो, उसमें कुछ विस्तार और होना था, जब तक होता होता कोरोना इतना भयंकर हो गया था, आपने देखा जैसे कोरोना का विस्तार, छोड़ दीजिए जब गठन हुआ था उस वक्त ये फैसले लिए जाते, फैसले उस समय में एक बोला गया था ना मंत्रिमंडल का विस्तार अभी होगा, ऐसा तो पहले से चल रहा है, अभी अभी 1.5-2 साल ही तो हुए हैं ना, अभी तो पूरा समय बाकी है, 24 तक है हमारा ये, और यूपी से इसका कभी लेना देना, यूपी का चुनाव 22 को है और बाकी जगह देखिए चुनाव हो चुके हैं कई जगह, तो ये हमें पूरे देश के लिए है, केंद्र का मतलब इसका ये मतलब नहीं कि हम चुनाव के कारण, विपक्षियों को हर चीज में चुनाव दिखता है, हर चीज में ही दिखता है, हम तो अपने काम पे भरोसा करते हैं, कार पे भरोसा करते हैं, विकास पे भरोसा करते हैं, आज हम अपनी योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचा चुके हैं, जो बिल्कुल अंतिम छोर तक, दीनदयाल की अनुसार विचारधारा के अनुसार जो अंतिम छोर तक व्यक्ति खड़ा है उसके तक हमारी योजनाएं पहुंची हुई है,
और ठीक आज है, उस उसी तक आप योजनाओं के अपना मोदी जी विकास के पहुंचाना कार्यकाल चाहते को हैं, देखते लेकिन हुए यहाँ पर और आपने सबका साथ अनुप्रिया सबका पटेल को, विकास की बात अनुप्रिया करते थे। पटेल को मंत्रिमंडल में जगह दी, लेकिन निषाद जी वहां पर अनुप्रिया नाराज पटेल हो गए। पहले भी हमारे साथ संजय थे ना, संजय बिल्कुल थी, बिल्कुल थी, देखिए बिल्कुल थी। देखिए अभी इस अनुप्रिया वक्त एक पटेल शूज तस्वीर सामने पहले भी निकल कर हमारे आई साथ थी, थे, ऐसा नहीं कि मेरी नहीं बात थी। सुन लीजिए अनीता जी, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले संजय निषाद जी भी मिलने पहुंचे, अनुप्रिया पटेल जी भी मिलने पहुंची, संजय निषाद उनको दरकिनार कर दिया गया। उनका कहना है कि हमारा वर्चस्व 40 सीटों पर है और हमें पूछा ही नहीं गया, और अनुप्रिया पटेल को जगह दे दी गई। देखिए ये चीज कहना है अनुप्रिया पटेल, आज से तो मैं जहां तक संजय निषाद के सब लोग प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, सब लोग सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना सब किया जा रहा है। अब सबको तो एकदम से पूरा स्थान नहीं दे दिया जाएगा ना, इसको भी दे दे उसको भी दे दे, हमने वैसे काम सबका साथ की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है आज मोदी जी के कार्यशैली से सब लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनके साथ आना चाहते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ वर्क करना चाहते हैं। और अनुप्रिया पटेल जी हमारे जो पहले चुनाव हुआ था 14 में, तब भी हमारे साथ थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी। अनुप्रिया पटेल जी कोई नई नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए ये कहना कि हमने अनुप्रिया पटेल को ले लिया, इसको नहीं लिया, ऐसे बातें, जो हमारे साथ शुरू से रहा है वो आज भी है, आगे भी वो हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमारा काम हम सबको साथ लेकर ही वर्क कर रहे हैं। बाकी ठीक जहां है। तक जाति समीकरण की बात है, जाति समीकरण की राजनीति विपक्षियां बहुत अच्छे से कर रही है, जो कि एक परिवारवाद को बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं, जहाँ पे एक परिवार का ठीक ही है नीता जी, वर्चस्व रहता परिवारवाद है हर पार्टी में, कि ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी में ना, 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 या नहीं नहीं एक सेकंड ना ना मैं ना ना सुन लीजिए, जो संगठन की बागडोर है वो हमेशा चाहे गांधी परिवार के पास रही हो चाहे यादव परिवार के साथ हो, लेकिन हमारे यहाँ आज कोई भी, क्या नड्डा जी किस परिवार से आते हैं जो नड्डा जी बने, अमित शाह जी किस परिवार से आते हैं, राजनाथ सिंह जी किस परिवार से आते हैं, मोदी जी किस परिवार से आते हैं जो प्रधानमंत्री बन गए, योगी जी किस परिवार से, ऐसा नहीं। लेकिन आप अगर देखें गांधी परिवार को लेकर, ठीक है ठीक है, इस पर लेके भी चर्चा करेंगे अनिता जी, किसी दिन हम सभी पैनलिस्ट को बुलाएंगे और आपके साथ इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि किस पार्टी में कहां ज्यादा परिवारवाद है, लेकिन इस वक्त हमारी बात मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही है। पंकज जी, निषाद जी लगातार उनसे उनसे जब बात की गई तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर अनुप्रिया पटेल को मौका मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं। देखिए एक बात ये स्पष्ट समझ लीजिए कि अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के घटक दल, अपना दल जो है भारतीय जनता पार्टी का घटक दल रहा है, 2014 में भी उसने चुनाव लड़ा था और 2014 में अनुप्रिया पटेल जी राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार भी रही, और मोदी जी ने वहां सोलर प्लांट का उद्घाटन मिर्जापुर में किया, और दूसरी चीज है 2019 में भी वो मिर्जापुर से सांसद रही, उनके उनके पति उत्तर प्रदेश में MLC है, तो ये सब चीजें अनुप्रिया पटेल जी का साथ बहुत दिनों से मतलब बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में रहा है, उसी के परिपेक्ष में उनको मंत्री बनाया गया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार कर सकता है, जब भी जब चाहे तब वो कर सकता है, और किसी भी मंत्री को बाहर रख कर सकता है, किसी भी मंत्री को उसमें शामिल कर सकता है, यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, ठीक बात है। उसी अधिकार के तहत उन्होंने ये विस्तार किया है। अब दूसरी बात, आपने संजय निषाद और प्रदीप निषाद के बारे में कही, तो एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव आसन्न है, 10 तारीख को ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने के बाद ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, ये निश्चित है। और ऐसी संभावना भी है कि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये निश्चित मान लीजिए। ये भी यह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी उनको भी प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेगी, क्योंकि जिस तरह की नीति पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ, तो ये इस नीति पे वो चल रही है, तो ये मान के चलिए कि ये भी निश्चित मान के चलिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर विस्तार होगा तो उनको इसमें प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से दिया जाएगा। और रहा सवाल 5 राज्यों की जो बात आ रही है, तो इसके पहले भी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उन राज्यों में जिन लोगों ने अच्छे प्रदर्शन किए, जिन पांडिचेरी में हो चाहे तमाम उसमें आपके बंगाल में हो, इसलिए वहां के लोगों को उपकृत किया गया, वहां के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा दल है, 2014 में 282 सीटों बीजेपी के अकेले दम पे आई थी, जो बहुमत से कहीं ज्यादा था, उसके बाद आप आइए 2019 में 304 सीटें आई बीजेपी के की अकेले दल की, सहयोगी दलों का उसमें कोई वो नहीं है, सेपरेट बीजेपी की, तो इन उसके उसके परिपेक्ष में भी अगर आप देखिए तो सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सभी सांसदों को कार्य करने का मौका मिलना चाहिए,
और एक सेकंड लाइन भी तैयार होनी चाहिए पार्टी नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में पार्टी में, ये मतलब इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए, सबको देना चाहिए समय के साथ। ये मांग है कि सभी दल में जो भी सांसद या विधायक, चाहे प्रदेश में हो चाहे सेंट्रल में जो सांसद है, सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और सबको कार्य करने का मौका मिलना चाहिए, उसी के तहत यह विस्तार हुआ। अब आगे 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश में भी जैसा ठीक है, पंकज जी आपने पश्चिम बंगाल की बात की, वहां पर अभी चुनाव हुआ है, बाबुल सुप्रियो को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ये निशाना साधा, उन्होंने कहा है कि भाई बाबुल सुप्रियो से कौन सी गलती होगी। नहीं नहीं देखिए एक बात समझ लीजिए, बाबुल सुप्रियो वहाँ के नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, इससे पहले मंत्री भी रहे, और बाबुल सुप्रियो ने वहाँ प्रदर्शन किया, वो ठीक है, वो चुनाव नहीं जीत सके, विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सके, वो हार गए। लेकिन सवाल ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सबको सब चीजें प्रदत्त की जाए, वो ऑलरेडी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे तो रविशंकर प्रसाद जी हैं और भी कई लोग हैं, तो इस तरह की चीजें ये कहना कि मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वो मंत्रिमंडल में किसको स्थान देगा और किन चेहरों को प्रमुखता। ठीक है, तो आपका कहना है कि बाबुल सुप्रियो ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का स्वाद चख लिया, अब वो दूर हो सकते हैं। आशीष जी, अनीता जी लगातार ये कह रहे हैं कि वो चाहे जो करें, लेकिन आप हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं, आप तो हर चीज का विरोध करने के लिए बैठे। देखिए सर्वप्रथम को तो उनके प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूँ, हम सभी बातों में राजनीति नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्य और कदम और निर्णय उस प्रकार। अनीता जी बात सुन लीजिए, अनीता जी मैं आपको भी मौका दूंगा, अनीता जी पहले, अनीता जी आशीष जी की बात सुन लीजिए, आप कहिए। देश का महंगाई दर निरंतर बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और अभी जब देश में वर्ष 2019 के पश्चात लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुका था, नई कैबिनेट का गठन भी हो चुका था, और प्रधानमंत्री जी को अब अचानक से कैबिनेट का गठन करने का मन हुआ, इसका कारण स्पष्ट तौर पर क्या है? ये सूचित करता है कि राजनीतिक समीकरणों को और जाति को केंद्र में रखकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। और मुझे बताइए, यदि ये बात कर रही थी कि हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यदि सबके विश्वास की बात होती तो प्रधानमंत्री जी 2019 की कैबिनेट में ही सभी युवा चेहरों को शामिल करते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदैव देश के लोगों के हितार्थ में कार्य करती है, देश के पिछड़े वर्ग के हितार्थ में कार्य करती है। और एक मिनट मुझे एक बात का इनका उत्तर देने दीजिए, जो इन्होंने बात कही कि जो व्यक्ति समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है उनको केंद्र में लगकर हम कार्य करते हैं, ये दर्शन तो आपको पता होगा, श्यामा प्रसाद दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है अंत्योदय का दर्शन। लेकिन इस दर्शन को सार्थक साबित करने में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से असफल साबित हुई है। आज देश में बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, क्या कारण है? राजनीति को केंद्र में रखकर यह कैबिनेट का विस्तार किया गया है, ना कि कार्य दक्षता और विकास के कार्यों को लेकर। ठीक है, आपने जो बात कही उसमें भी कहीं ना कहीं वजन है, लेकिन हम पंकज जी से ये समझना चाहेंगे, पंकज जी जो 11 नाम हमारे जो सामने आए हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल से जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक हों या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन, अगर रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो 21 साल बाद उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात कही, कहां पर उनसे चूक हो गई जो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? देखिए थोड़ा ये अगर आप कहें तो थोड़ा उनकी अस्वस्थता को भी, जो जैसा कि हम लोगों को जानकारी है, थोड़ा उनकी अस्वस्थता को देखते हुए भी ये निर्णय लिया गया है, ये भी हो सकता है, ये मेरा अपना विश्लेषण है, मेरा एज ए पत्रकार मेरा अपना विश्लेषण है कि उसके कारण भी उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि अगर ये लोग तो मतलब भाजपा के वरिष्ठ लोग हैं और सरकार बनी, इन्होंने कोरोना काल में भी तमाम चीजों की क्षमता दिखाई और मंत्रिमंडल में तमाम चीजें प्रदर्शित की, अपनी कार्य क्षमता को दिखाया, तो नए लोगों को नए चेहरों को भी मौका मिलना चाहिए, ये भी एक बहुत जरूरी है, ये भी बहुत आवश्यक है। अगर आप देखिए अब ये कांग्रेस की बात आप कर रहे थे, भी देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, वहां देखिए सचिन पायलट युवा नेता थे, उनको जगह नहीं दी गई, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, गुर्जर समुदाय से आते हैं, वहां उन्होंने पुराने चेहरे अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाया, विरोध होने के बावजूद 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, आपके सचिन पायलट हमेशा आरोप लगाते रहे कि जो 2.5 साल में जनता की आकांक्षाओं पे नहीं खड़े उतरे, तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जी। हश्र तो हम मध्य प्रदेश में देख चुके हैं ना। हाँ नहीं नहीं तो वही कह रहे हैं, तो ये सब चीजें देखिए, ये सब चीजें बहुत चिंतन की बात है, और तमाम राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो उनको भी तमाम चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने
स्वास्थ्य का हवाला दिया, लेकिन हर्षवर्धन क्या वाकई में जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट हुआ या कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ, क्या उसी का नतीजा रहा कि अब हर्षवर्धन अब मंत्रिमंडल से बाहर? हमने आपसे देखिए पहली बात आपको ये बात स्पष्ट किया कि ये जान लीजिए ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और नए लोगों को भी तवज्जो देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो मतलब सफल होगा ही नहीं, वही लोग चलते रहेंगे। फिर तो पूरा मंत्रिमंडल ही बदल देना चाहिए था, कई पुराने चेहरे भी हैं उसमें। अरे तो अभी हो सकता है अगले साल फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तो ये तो हमने आपसे क्या कहा, ये तो ठीक है वो सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल हम समझ गए, सतत प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया के तहत ये चीज हो रही है, ये तो एक सतत प्रक्रिया है कि सबको मौका देना चाहिए। ठीक है अनीता जी, अभी आशीष जी ने कहा कि आप लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आता मंत्रिमंडल विस्तार में ध्यान कहाँ भटकने वाली बात है, ये तो एक दिन की बात है, शपथ ली है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, आगे कम होगा कोई ये, क्या 24 तक मंत्रिमंडल चलता रहेगा क्या, कैसी बात है? मैं वो कहना हर चीज में राजनीति, छोटी छोटी बात पे राजनीति निकालने इन लोगों का आदत पड़ गई है। असल में ये लोग सत्ता के रहने वाले, इन्होंने सत्ता हमेशा देखी है, विपक्ष कभी देखा नहीं, इनको समझ में आता नहीं है, तो इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जहां तक हमारी बात है, जहां तक आपने अभी कहा है कि पुराने लोग इन लोगों को हटाया गया, देखिए आज जो भी मंत्री हटाए गए हैं वो पहले भी मंत्री रहे, अटल जी की सरकार में भी कुछ मंत्री रहे थे, अब भी मंत्री हैं, लेकिन अब नए लोग जो आए हैं जुड़े हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और वो हमारे पार्टी के ऐसा तो है नहीं कि हमारे पार्टी के वो हर जगह वो अपनी सलाह देते हैं, सब बात करेंगे, किसी के स्वास्थ्य की बात है, किसी को उन्होंने सबने अपने आप अपनी रजामंदी से बात हुई है और नए लोगों को हम लोगों ने स्थान दिया है। लेकिन मेरा विपक्ष के बारे एक ही बहना है कि विपक्ष को जनता की चीजों को देखना चाहिए, जनता के बीच में कोरोना काल में इनको जाना चाहिए, जो कि इन्होंने कोरोना काल में भी बड़ी लाशों पे राजनीति कर ली, इन्होंने रफेल पे भी राजनीति कर ली, इन्होंने पीएम को गाली दे के भी बहुत राजनीति कर ली, आज मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया कहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए, कहीं तो कम से कम आप महंगाई और बेरोजगारी पर हम लोग कब बात करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी आइए जमीन पे तो चलिए, महंगाई और बेरोजगारी जमीन पे तो चलिए, ये हवाई जहाज पे उड़ते रहते हैं, कब सरकार की प्राथमिकता में होगी, जमीन पे चलिए, जनता के बीच पे चलिए, जनता के बीच रहना सीखिए। अनीता जी मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, महंगाई और बेरोजगारी कब सरकार की प्राथमिकता में होगी? एक सेकंड मैं इनसे और पूछना चाहती हूँ, इनसे ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे इनसे पूछे, आपके नेता जो आज बेल पे हैं वो किस उस पे बेल पे है, भ्रष्टाचार के आरोप पे दोनों लोग बेल पे हैं माँ बेटे, इनको समझ में आना चाहिए, इनको समझ में आना चाहिए कि हमने क्या किया इस जिंदगी में, आपने भ्रष्टाचार उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, लेकिन अनीता जी मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, मेरी बात भी सुन लीजिए, और जनता के बीच में जनता की समस्याओं में जाए, काम करें, आगे विपक्ष मजबूत रखता है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, इनका मजबूत नहीं है। ठीक है अनीता जी, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, महंगाई और बेरोजगारी पर कब बात होगी? देखिए महंगाई पे भी काफी हद तक बात होगी, बेरोजगारी देखिए स्वरोजगार आत्मनिर्भर भारत बनाने की मोदी जी बात कर चुके हैं आज कम से कम, देखिए मैंने कहा ना कोरोना काल के कारण एक साल डेढ़ साल कोरोना काल के कारण जरूर थोड़ा सा बैक किया लगा, लेकिन बहुत जल्दी स्थिति को सुधार आएगा, और ये पूरे विश्व के साथ हुआ है, खाली भारत के साथ हुआ, खाली भारत में नहीं हुआ, पूरे विश्व में हुआ है, पूरे विश्व में हुआ। और सबसे बड़ी बात है आज सब रोजगार की बात करते हैं, सरकारी नौकरी हमने दी, देखो हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी हमने सरकारी नौकरियां जितनी मिल सकती है उतनी दी गई हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब रोजगार की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर युवा की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि जो जहां पे रहता है वहीं पे वो काम करके आगे बढ़े, अपने माँ बाप को ना छोड़ना पड़े, नहीं तो आपने देखा महाराष्ट्र में जो लोग काम करने गए थे कैसे उन लोगों को निकाला गया, किसकी सरकार थी जहां से लोगों को मजदूरों को निकाल दिया गया, दिल्ली में क्या हाल किया, दिल्ली में मजदूरों का क्या हाल किया, आप ये कह रही है कि सरकारी नौकरियां जितनी मिल सकती थी उतनी दे दी गई है, यानी अब ये मान लिया जाए कि अब ये सरकार के हाथ में नहीं है, आगे भी दी जाएंगी, अब ये सरकार के हाथ में नहीं है ना, ना ना सरकार के हाथ में सब कुछ मिलेगा, आगे भी सरकारी नौकरियां जितनी उतनी दी जाएंगी, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की ये बात हुई है, और सबसे आज हमने सब रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार सृजन की तो बात करते ही है, लेकिन रोजगार मिले तब ना, क्यों नहीं आप देखिए महिलाएं की क्या निर्भर हो रही है, आज कम से कम वो अपने लोन लेकर, आज सब्सिडी भी उनकी माफ है, लोन लेकर वो काम कर रही है, वर्क कर रही है, महिलाओं से जाके पूछो महिलाओं ने कितना अपना विकास किया है, कितना कम से कम एक समूह बना के महिलाएं काम कर रही है, समूह बना के मंत्रिमंडल काम कर रहे हैं,
देखिए सब लोग वैसा वोट डर से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ना कोरोना काल के कारण अर्थव्यवस्था पे जरूर सफर पड़ा, वो कहीं भारत में नहीं पूरे विश्व में पड़ा है, भारत में नहीं पड़ा। इस चीज को समझना चाहिए, कम से कम इस चीज को भी समझेंगे। आपको मालूम है आशीष जी, आशीष जी, अनीता अग्रवाल जो बात कह रही हैं कि आप विपक्ष का काम नहीं कर रहे हैं, वाकई में हम सभी पत्रकार भी यही देख रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी वो भूमिका शायद कांग्रेस अदा करती हुई नजर नहीं आ रही है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। अगर 2014 से पहले की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार भ्रष्टाचार या महंगाई के मुद्दे को लेकर आंदोलन करती थी या अपना संदेश लेकर जनता के बीच में जाती थी, वो काम करते हुए तो आप नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, आपने विपक्ष की भूमिका के ऊपर प्रश्न खड़ा किया है तो मैं उत्तर देता हूँ। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 6 वर्षों गए, उन्होंने एक भी सार्वजनिक तौर पर प्रेस वार्ता नहीं किए, ये है उनका कार्य करने का तरीका। नंबर दो पर हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विपक्ष की बात करने से पूर्व मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब देश में बेरोजगारी बढ़ रही थी, जब देश में महंगाई दर निरंतर बढ़ रहा है, जब देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्य आसमान छू रहे हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के सभी राज्यों में और सभी जिला के मुख्यालयों में। अनीता जी सुन लीजिए, अनीता जी सुन लीजिए, आपका आपकी भी बारी आएगी, अनीता जी सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए। दूसरी बात, नहीं ये भाजपा प्रवक्ताओं की आदत है क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं होते, कोई डाटा नहीं होते। ठीक है, ठीक है, मुद्दा जो आप कह रहे थे वो आप कहिए। अनीता जी अब शांत हो चुकी हैं, अनीता जी शांत हो चुकी हैं। एक मिनट, इन्होंने अभी रोजगार सृजन की बात की थी, सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई थी, पिछले वर्ष अप्रैल मई 2020 में कुल मिलाकर देश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इस वर्ष 2021 में अप्रैल मई 2021 में कुल मिलाकर 2.20 करोड़ पीपल बेरोजगार हो गए। क्या ये है आपका रोजगार सृजन का नारा? खामखा देश के विपक्ष को बदनाम करने के स्थान पर स्वयं की कार्य प्रणाली पर ज्यादा ध्यान केंद्रित, तो आप सरकार अच्छे से चला मैं बताऊं आपको। ठीक है अनीता जी, रुकिए, बात कर लेने दीजिए, इनको जवाब देने दीजिए। इस सरकार का जो प्रदर्शन था उसको पूर्ण तरीके से तिरस्कृत कर दिया है क्योंकि भाजपा सरकार पूर्ण तौर पर COVID-19 के प्रबंधन में असफल साबित हुई है और देश ने भी इसका प्रत्युत्तर दिया है। ठीक है अनीता जी, आप बताइए। देखिए, जो ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी हो गई, इन्होंने क्या किया है, सब लोगों को लोन ले लेकर भगा दिया, सारे लोगों को इतना पैसा दे दिया बैंकों से, खाली कर दिया। जो इन्होंने आज कह रहे हैं ना पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई, इसके पीछे का राज कभी देखा है? इन्होंने बॉन्ड्स देते थे, 10-10, 20-20 साल के बॉन्ड्स दे देते थे, कोई उस पेट्रोल ना महंगा, उसके बाद आज बॉन्ड कौन वापिस कर रहा है? हमारी सरकार कर रही है। आज जो इनकी जो बनी हुई थी ना चक्रव्यूह में जो फंसा हुआ है, इनके अगर धरातल में जाके देखिए सारी इनकी देन है, बेरोजगारी महंगाई सब कांग्रेस की देन है जिसको हम धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। और जहां तक युवा है, इन्होंने हमेशा भारत की सेना हो उससे उंगली उठाई, इन्होंने जहां जा देखिए आज कोरोना काल में भी इन्होंने इतनी महामारी में इन्होंने पूरी राजनीति की, पूरी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ा, सबसे ज्यादा दिल्ली में बढ़ा, जहाँ उसके बाद इन लोग जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है वहां तो उनकी बात करते हैं कि मुख्यमंत्रियों ने ऐसा किया, और जहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री ने वहां मोदी को ले आते हैं। इनको ये सोचना चाहिए, अरे भैया जो जहाँ ये अच्छा बताइए, इनके छत्तीसगढ़ में किसके मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र में किसके, पंजाब में किसके, क्यों नहीं वैक्सीन अब तक लग पाई लोगों को? वैक्सीन में राजनीति इन्होंने की, हर हर जनता के जो जनता के देखती नहीं, जनता को पता नहीं है कि आप हर चीज पे अच्छी चीज होती है उस पर भी लाने, आपको चाहिए जनता के, इनका ये वैक्सीन मत लगाइएगा क्योंकि वैक्सीन लगाने से बहुत कुछ हो जाएगा, अनपुंसक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसे इनके नेता बयान देते रहे, इनको शर्म नहीं आती है कि जनता को गुमराह करने में लगे रहते हैं? क्या जनता समझती नहीं है? कब तक ये राजनीति इस तरह से करेंगे? इनको चाहिए सीधी सीधी राजनीति करे, विपक्ष की सही भूमिका निभाए। हम चाहते हैं कि विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, हम खुद चाहते हैं क्योंकि हम खुद विपक्ष में थे तो भी मजबूत थे, आज सत्ता में है तो भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेंगे क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा है, हर जनता से जुड़ा है। विपक्ष की भूमिका कैसे देखते हैं आप? विपक्ष को एक अपनी सार्थक भूमिका निभाना चाहिए और विपक्ष को जिस तरह से विपक्ष के जो हालात हैं, और चाहे वो 2014 के चुनाव रहे हो चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव रहे हो, विपक्ष बहुत नीचे चला गया। अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया, और बंगाल में कांग्रेस जो जिसने कई साल राज्य किया
और बंगाल से कांग्रेस का एक सीट नहीं जीता कांग्रेस ने और कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो गया। तो ये सब चीजों पे कांग्रेस को चिंतन की आवश्यकता है और कांग्रेस को एक सार्थक विपक्ष के नाते सामंजस्य बैठाते हुए इन चीजों को देखना चाहिए, जनमानस के हित की बात करनी चाहिए। अभी जैसे कि रोजगार की बात हो रही थी तो मोदी सरकार का ये एजेंडा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, कोरोना काल में लोगों को रोजगार नहीं मिले, बहुतों की नौकरी गई और मीडिया से लेके तमाम क्षेत्र के लोगों को सबसे ज्यादा नौकरी जी। रोजगार देना तो एक अलग बात है, लेकिन जिनके रोजगार गए हैं उनके भी अभी तक वापस नहीं आ पाए हैं। अप्रैल 2021 का डेटा है कि जिन लोगों ने 2020 में रोजगार गंवाया है उनको 2021 तक भी नौकरियां नहीं मिली हैं। हाँ तो बिल्कुल, क्योंकि कल कारखाने नहीं खुले, तमाम चीजें नहीं खुली और उनके बाद ये सब चीजें नहीं हुई। लेकिन क्या नाम है, एक दूसरी महत्वाकांक्षी योजना देखिए कि 22.5 करोड़ लोगों को आपके 10.5 लाख करोड़ का लोन बांटा गया, मुद्रा लोन विदाउट कोलेटरल प्रॉपर्टी 8% ब्याज पे। तो ये भी बहुत बड़ी बात रही। नहीं तो जब आपने खुद ही कहा कारखाने खुल नहीं रहे हैं, तो ऐसे में अब वो अपने लोन को कैसे चुकाएंगे? जब माल की मांग ही नहीं होगी तो कैसे चुकाएंगे? अभी निर्मला सीतारमण जो भारत के वित्त मंत्री है, उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का एमएसएमई का लोन प्रस्तावित किया था कोरोना काल, तो उसमें 4% पर एनएम के दर से ब्याज है और उसमें पहले ही सरकार ने कह दिया था कि 1 साल तक आपको ब्याज नहीं देना। तो इन सब चीजों का कहने का ये मतलब अभिप्राय ये है कि भारत में युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है और सबको नौकरी सरकारी मिल नहीं सकती है, प्राइवेट में भी इतने संसाधन नहीं है। तो सरकार ये इस तरह का एक बनाना चाहती है धारणा कि आप रोजगार करिए, अपने अपनी तरक्की करिए, अपने परिवार की तरक्की बढ़ाइए। इस योजना के तहत मुद्रा लोन का सृजन किया गया और मुद्रा लोन के तहत 10.5 लाख करोड़ का लोन बांटा गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात रही। तो ये भी 22.5 करोड़ लोगों को, तो ये भी एक बहुत बड़ा देखिए एक मतलब एक प्रयास था। और दूसरी बात, जनधन खातों में पैसा दिया गया, अभी 6 महीने तक ये राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें सरकार द्वारा अंकित जी, सिलेंडर 850 के करीब पहुंच चुका है, 2000 रुपए अगर खाते में भेज रहे हैं, 800 रुपए का तो एक सिलेंडर ही मिल पाएगा। नहीं, वो आपका कहना ठीक है, लेकिन वो इन्होंने देखिए उज्ज्वला योजना के तहत 4 करोड़ 4.5 करोड़ लोगों को सिलेंडर का इंतजाम किया है जो गाँव में, लेकिन अब वो भरवा तो नहीं पा रहे ना। नहीं, वो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग जिनकी जो भी जिनका उपार्जन जीविकोपार्जन करते हैं उससे उनको बहुत राहत है, क्योंकि उनका उससे ज्यादा पैसा लग जाता था और धुएं से वो टीवी के मरीज हो जाते थे, तो उनको उसका भी लाभ मिला, ऐसा नहीं है। और रहा सवाल ये है कि इन चीजों में भी गिरावट आ जाएगी, ऐसा नहीं, हर चीज का एक सिनेरियो है। और ये मान के चलिए कि इन चीजों में भी देखिए एकदम से गिरावट आना तय है, ये मान के चलिए, और ऐसा नहीं है कि ये महंगाई ऐसे ही चरम पे रहेगी, क्योंकि कोरोना ऐसी वैश्विक बीमारी के चलते महंगाई ने और अपना ग्राफ बढ़ाया और उसके चलते बहुत हाहाकार मचा, कोरोना की दूसरी लहर ने कमर तोड़ दी और बहुतों को, ठीक है, कोरोना की लहर और जिस तरह से आपने बताया कि गांव में पहले टीवी हो जाती है उससे तो लोग अब बाद में मरेंगे, इस वक्त तो महंगाई मारे डाल रही है। आशीष जी, मैं अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, तो मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। देखिए, हमारा अंतिम टिप्पणी यही होगी कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और देश की जनता की जो आवश्यक मुद्दों है, जो आज वर्तमान में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, पेट्रोल और डीजल में जो वृद्धि हो रही है, उस मुद्दों को केंद्र में ना रखकर अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने में और धरातल पर नीतियों को सार्थक साबित करने के स्थान पर जातिगत समीकरणों को बैठाने के लिए जो भाजपा सरकार ये षड्यंत्र रच रही है, ये कदापि सार्थक साबित नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से COVID-19 के कुप्रबंधन को लेकर पूरे देश की जनता ने इस सरकार के शासन को देखा है और पूरी तरीके से देश की जनता ने इनको तिरस्कृत कर दिया है, बस 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रतीक्षा कीजिए, परिणाम आपके समक्ष। ठीक है, अनीता जी क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, सब रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और जहां तक कि हम जनसंख्या पे और बेरोजगारी पे और महंगाई पे पूरा नियंत्रण पाने की काम कर रहे हैं और विकास का काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। बस ये है कि अर्थव्यवस्था थोड़ी जून हमारी चरमराई है कोरोना कारण, उसको हम बहुत जल्द ठीक कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, वो केवल भारत के साथ नहीं पूरे विश्व के साथ है। बहुत जल्दी आपको नजर आएगा
कि हमने काफी हद तक अपनी अर्थव्यवस्था को भी संभाला है और युवाओं को स्वरोजगार देने की बात की है। और जो आज हमने लोन की बात कर उसमें कई सब्सिडी माफ है और कई एक साल तक का ब्याज भी माफ है कि अपना काम करें, उनको ना ज्यादा ब्याज देना, अपना काम करके औरों को भी रोजगार दे, खुद भी रोजगार करे, ऐसी योजना लेके हमारी मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। और अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है वहां तक सारी योजनाएं पहुंच रही है, चाहे बिजली की हो, चाहे आयुष्मान भारत की हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, सारी योजनाओं छोर तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि जनता प्रसन्न है। आज राशन भी उन लोगों को हम दे। और जहां तक की गैस सिलेंडर की बात है, जहां तक पेट्रोल की बात है, उसका मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की सरकार उस समय बॉन्ड दे दिया करती थी 10-10, 15-15 साल के, उन्होंने उसको भविष्य की महंगाई को बढ़ाने का उन्होंने बहुत अच्छा चक्रव्यूह फैलाया था, जो कि अब सामने आ रहा है। इस चीज को अच्छे से समझना होगा, जनता भी इसको समझेगी और बाकी मोदी सरकार तो इसको धीरे धीरे ठीक कर ही लेगी। ठीक है पंकज जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, क्या वाकई में टाइमिंग का खेल है यहाँ पर? नहीं, देखिए कोरोना काल भी है और दूसरी चीज है, अभी 8 महीने बाद चुनाव है, ठीक है, 7-8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 5 राज्यों में भी है, तो ये कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी थमी, तो इसलिए भी ये विस्तार तो प्रस्तावित था पहले ही, लेकिन कोरोना आ जाने के कारण ये विस्तार नहीं हो सका था। तो लेकिन अब चूंकि दूसरी लहर में थोड़ा ठहराव आया और भी इस तरह का चीजें हैं, तो ये सरकार का एक, प्रधानमंत्री का एक विशेषाधिकार है और उसके तहत उन्होंने देखा कि जिन लोगों के कार्यों में दक्षता नहीं है या जो लोग जरा सा भी इस तरह के नहीं है, और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। आखिर नए लोग अपनी क्षमता को कैसे दिखा पाएंगे? अब कौशल किशोर जी लखनऊ से सांसद है, उनको बनाया गया मंत्री, तो सवाल ये, वो भी तो अपनी क्षमता दिखाएंगे कि वो क्या कर सकते हैं, तो सबको क्षमता दिखाने का मौका भी होना चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा दल है, इसलिए सबसे विस्तार हुआ है। ठीक है, सबको दिखाने का मौका भी मिला है और अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर सामने उभर कर आएगी, ये भी हम सबके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। लेकिन अब सवाल यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार तो हुआ, लेकिन अब जो जनता के मुद्दे हैं, क्या युवाओं के मंत्रिमंडल में पहुंचने से उन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा? क्या वाकई में इन युवाओं के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद बेरोजगारी पर बात होगी, महंगाई पर बात होगी? सवाल यही है, देखते हैं आखिर आने वाले समय में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।